नमस्कार साथियों, दुनिया का कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। आज आपको आधुनिक भारत से संबंधित कुछ प्रश्न करवाते हैं। बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? बताओ भाई, ये एक्ट कब आया था? तो याद रखना, ये 1773 में आया था। कब आया था? 1773 में। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वो अधिनियम जो था वो 1813 का चार्टर अधिनियम था। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? बताओ वो कौन सा अधिनियम है? तो याद रखना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? बताओ कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये है 1919 का एक्ट, ये द्विसदनीय विधायिका लाया है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? बताओ भाई, प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये विधान पालिका बनाई गई। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ है? बर्मा यानी म्यांमार का नाम है। ये कौन से अधिनियम से भारत से अलग हुआ है? तो याद रखना, 1935 का जो एक्ट है उससे ये अलग हुआ है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? तो 1935 का जो अधिनियम है इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया गया? बताओ भाई। तो याद रखना, 1935 का भारत सरकार जो अधिनियम है उसके द्वारा प्रवर्त किया गया। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? बताओ भाई, कौन सी शक्ति प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? बताओ भाई, ये वाला एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? तो वो है चार्टर एक्ट 1833। 1833 का चार्टर एक्ट है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई है? बताओ भाई, तो वो अधिनियम है मार्ले मिंटो सुधार 1909 का अधिनियम है, इसके द्वारा व्यवस्था की गई है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके अनुसार केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन अभी आपको करवाया है, तो सभी लोग आंसर बताओ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताओ भाई, जो संघीय न्यायालय है ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो याद रखना, 1935 के अधिनियम के द्वारा वर्ष 1937 में किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? बताओ भाई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई? तो वो है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश राज का शासन स्थापित किया गया? बताओ भाई, ब्रिटिश राज का शासन स्थापित किया गया, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो वो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909।
भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ भाई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774 में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो बारेन हेस्टिंग ने की थी। किसने की थी? बारेन हेस्टिंग ने। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताओ भाई, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे थे। कौन थे वो? एलिजा इम्फे थे, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ भाई, किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना, 1774 में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? बताओ भाई, तो वो अधिनियम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताओ भाई, कौन था गवर्नर जनरल? तो याद रखना, वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में वायसराय पद का सृजन किया गया है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? बताओ भाई, मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। तो वो है 1854। क्या है वो? 1854 है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? इस एसएससी ने ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। किसे मानते हैं? लॉर्ड मिंटो को। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताओ भाई, प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे वो? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? वो कौन सा अधिनियम था? तो भारत शासन अधिनियम था 1919। इसके द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।